नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तंत्र साधना गुरु चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की, एलन मस्क के एलोस ग्रिड की। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज ये पता लगाएंगे कि एलन मस्क इतने ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुए, इतना नेम फेम कैसे हुआ और कैसे ये इतने रईस बने, सबसे बड़े रिच जो बंदे हैं ये पूरी दुनिया की। आपने एलन मस्क के बारे में नहीं सुना है तो कोई भी न्यूज़ उठा के देख लो, सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च करके देख सकते हो। पहले डायरेक्शन लिख लेंगे दोस्तों, लोसो ग्रिड की जो डायरेक्शन है वो जरूर डाल के चलें। लोसो ग्रिड किसी का भी रेडी करें तो डायरेक्शन लिखना ना भूलें, डायरेक्शन का ही इसमें खेल है दोस्तों, क्योंकि लोसो ग्रिड वास्तु का ही पार्ट है, ये न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे मैंने लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, इसमें कौन कौन से नंबर प्रेजेंट हैं और कौन से मिसिंग हैं और किस नंबर की वजह से आज इतने बड़े रईस हैं ये और किस वजह से इनका इतना नेम फेम है, ये ज़रूर जानेंगे इस लोसो ग्रिड के माध्यम से। दोस्तों सिर्फ इसी वजह से कि मैं सिर्फ आज कुछ डाटा सर्च कर रहा था तो सबसे पहले इसका एलन मस्क, पता नहीं कैसे इसकी न्यूज़ मैंने देखी और फिर मैंने इसका एलन मस्क को सर्च किया, इसका डेट ऑफ बर्थ सर्च की तो उसमें डेट ऑफ बर्थ ही निकल के आई। तो एक रिसर्च का, ऐसे ही रिसर्च करते हैं दोस्तों, ऐसे ही आप भी रिसर्च करते रहा करो, ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, नंबर की पावर है, किसकी वजह से इनका इतना नेम फेम है, पावर है, कितना पैसा है और कैसी इसकी लाइफ है, क्या लाइफ बेस्ट है, क्या को क्या सबसे ज़्यादा रईस व्यक्ति खुश होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो जो नंबर इसका यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 नंबर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आएगा ना। और 6 नंबर को यहाँ लिख लेंगे, 7 नंबर को यहाँ लिख लेंगे और 9 नंबर को यहाँ लिख लेंगे और फिर 1 यहाँ पे लिख लेंगे और दोबारा फिर रिपीट में 1 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इसको आपस में डेट को हम प्लस करेंगे, 2 + 8 करेंगे 10, 1 + 0 फिर 1 आया, तो यानी कि 3 बार इसका 1 रिपीट है, ओके। अब बात करते हैं आगे, फिर एक बार पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपस में जोड़ लेंगे। इसका जो लास्ट सिंगल हमने डिजिट लेनी है दोबारा से, फिर रिपीट 7, यहीं से कलाकारी शुरू होती है दोस्तों, ठीक है, 7 नंबर है। और मिसिंग क्या है, 3 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है। तो दोस्तों लोसो ग्रिड में जो लोसो ग्रिड, कुछ मेरे भाई हैं बताने के लिए आते हैं लोसो ग्रिड में, वो 4 नंबर देख के बोलते हैं कि इनका राहु बड़ा ज़बरदस्त है, ये बंदे बहुत बड़े माइंडेड होंगे, ये बहुत बड़े बिजनेस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो एलन मस्क का तो 4 नंबर है ही नहीं, ये तो मिसिंग है, यही तो दिक्कत है, क्योंकि प्रेडिक्शन वो तुक्केबाजी से नहीं चलता दोस्तों। हर किसी को प्रेडिक्ट कर दो, ऐसी आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि सामने चाहे कोई भी खड़ा हो आप उसके बारे में बता दो, वो एस्ट्रोलॉजी है, लोसो ग्रिड है, न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी का पार्ट बिल्कुल अलग हटके होता है, तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि 4 नंबर नहीं है तो ये बंदा कामयाब नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो इनसे बड़ा कामयाब कौन हो सकता है दोस्तों, 4 नंबर मिसिंग है, कुछ मेरे भाई बोलते हैं कि 4 नंबर मिसिंग है तो राहु इनका काम नहीं करता, ये है वो, लेकिन लग्जरी का वो बोलते हैं। फिर वो दोबारा पॉइंट पे आएंगे, 6 नंबर को बोल लेंगे, ये देखिए इनके पास लग्जरी है, इनके पास लग्जरी है, शुक्र का है ये, ठीक है। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे तो मून चंद्रमा की दिशा होती है दोस्तों, ठीक है। तो मेरा मानने का कुछ अलग है तरीका, मैं यहाँ नंबर नहीं देख रहा, मैं डायरेक्शन देखता हूँ, यहाँ पे मैं वास्तु करता हूँ दोस्तों। लोसो ग्रिड वास्तु होता है, आप भी मान लें इस बात को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पे 6 नंबर है, वो तो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो 6 नंबर को दर्शाती है। इनके पास लग्जरी है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, बिजनेस है। 8 नंबर है, ठीक है, माइंड कंसल्टेशन, बहुत इनका माइंड जो हम माइंडेड बंदे होंगे ये, ठीक है, और प्रैक्टिकल बंदे होंगे, धरातल आधार पे काम करते हैं दोस्तों ऐसे व्यक्ति। ये क्या करते हैं, ये सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलते दोस्तों, ये हर किसी चीज़ को फेस करते हैं तब ही आगे कदम बढ़ाते हैं अपना, पहले जानते हैं, अच्छे से परखते हैं दोस्तों, परख की जो पावर होती है इनके पास होती है दोस्तों, जांचने की शक्ति। मैंने क्या बताया था दोस्त पिछले वीडियो में, एट्रीब्यूट बताने के लिए आया था, तत्व के एट्रीब्यूट बताने के लिए आया था दोस्तों, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, किस एलिमेंट्स का बंदा होगा और उसमें क्या उसमें गुण होंगे, क्या उसके एट्रीब्यूट होंगे, मैं बता के गया था। तो दोस्तों ये 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर का एलिमेंट क्या है, मेटल, मेटल ही होगा ना, लिखाई ऐसी चलेगी दोस्तों इसमें, वैसे भी मेरी खराबी है लिखाई। तो दोस्तों मेटल एलिमेंट है और ये आकाश तत्व है, स्पेस इसको बोलते हैं वास्तु में, स्पेस डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ का एलिमेंट होता स्पेस, इनको कोई नहीं समझ सकता दोस्तों, यहाँ तक कि इनके खुद जो इनके जो बीवी होंगी वो भी नहीं इनको समझ पाई होंगी दोस्तों, इनको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती, ये आकाश तत्व वाले होते हैं ना, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को आज तक कोई समझ पाया क्या, स्पेस नाम ही स्पेस है, स्पेस को कोई समझ पाया तो बताओ मेरे को, ठीक है, मैं ये बात नहीं करूँगा इनकी डेट ऑफ बर्थ से, इनका एलिमेंट नहीं बताऊँगा मैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में इनको जो गॉड गिफ्टेड जो एलिमेंट मिला वो क्या है वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि किस डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति का क्या एलिमेंट होगा। तो दोस्तों अब जो मैं जैसे 5 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, सबसे बड़ी खासियत दोस्तों इतना बड़ा रोजगार है, सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन 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 स्ट्रगल बहुत की होगी लाइफ में। नंबर 2, सोशल कनेक्टिविटी, यानी कि ये बंदे खुद ही, मतलब ये इनके जो मित्र जो होंगे ना बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों, बिजनेस पार्टनर मिलेंगे, बिजनेस लेवल से जुड़े हुए जरूर मिलेंगे, लेकिन सोशल बोलते अपने जैसे लोकल यार दोस्त होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, वो इन बंदों का नहीं होता, ये अकेला रहना पसंद करते होंगे दोस्तों, ये अकेले रहते होंगे, ठीक है, इनकी जो अपने कुछ शर्तें होती हैं, टेंशन कंडीशंस होती हैं दोस्तों, ये उसी के अनुरूप पूरी लाइफ बिताते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे कि इनके 2 लड़के होंगे दोस्तों, फर्स्ट लड़का, सेकंड भी लड़का, 2 लड़के होंगे इनके पास डेफिनेटली, 100% श्योरली मैं बोल सकता हूँ, हालांकि मैंने देखा नहीं है, ठीक है, वैसे आप चेक कर सकते हो, एक बार सर्च कर लेना, मैं भी सर्च करूंगा वीडियो बनाने के बाद में, मैंने तो एकदम वीडियो बनानी शुरू कर दी इनके बारे में, पूरा बायोडाटा वैसे मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं बायोडाटा यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ लोसो ग्रिड से, ठीक है। अब रिलेशन की बात करें तो इनके रिलेशन में इतनी पावर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 2 नंबर इनका एक ही बार है, जिद्दी, ऐसे व्यक्ति जिद की, अपने जिद से, अपने मोटिवेशन से, अपने जो पावर्स होती हैं अंदरूनी, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है उसके बलबूते यहाँ तक पहुँचा है, और इसके जो कारण रहे हैं, जो नंबर कारण रहे हैं इसका 7 नंबर दोस्तों, ये 7
ये 777 तकदीर पलट देता है दोस्तों, ध्यान रखें। और उसके साथ में जब ये पूरी लाइन यहाँ से जुड़ जाती है, ये लाइन पूरी जुड़ जाती है दोस्तों, तो बिजनेस में तो पूरी दुनिया में नामी गिरामी ये ऐसे बंदे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। नेता, बड़े बड़े नेता जो ऐसे बंदे होते हैं जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। बिजनेसमैन खासकर और जितने पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका भी आकाश तत्व बेस्ट होता है कहीं ना कहीं। अब बात करेंगे दोस्तों इनकी शादी, इनकी शादी का देखें, इनकी शादी कब हुई होगी। देखो दोस्तों, वैसे तो ऐसा होता है जैसे बंदा, कोई भी बंदा होता है, हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 1 से 10 तक के बीच में कोई संख्या उन पूछते हैं उनसे। तो फिर भी अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए, क्योंकि इनकी टाइमिंग भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बेस नहीं चलेगा यहाँ पे, ओनली लोसो ग्रिड चलेगा, तो 900 यानी कि 99 में कोई रिलेशन में आए होंगे 1+, तो ये 2000 में इनकी शादी हुई होगी दोस्तों। लेकिन 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 रिलेशन में गड़बड़ जरूर मिलेगी दोस्तों, इनके रिलेशन में ज़रूर गड़बड़ मिलेगी। क्या मिलेगी कुछ कह नहीं सकते, रिलेशन लंबे नहीं चलते, कई दफ़ा देखा गया है। 2 नंबर एक बार है, लेकिन 777 है, ये ऐसे बंदे होते हैं यानी कि तालमेल जैसे बोलते हैं ना, कि ये अलग मेथड होता है इनका, जो इनको समझ पाना मुश्किल होगा, इसी कारण से कोई ऐसे, या फिर 3 नंबर मिसिंग है, जैसे कि मनोरंजन का होता है 3 नंबर, ठीक है। ये काम धंधे में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं ऐसे व्यक्ति, ये पता है, कोई भी अगर मौज मस्ती करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए कहीं भी अगर गए, तो वहाँ भी ये अपना बिजनेस सोचेंगे दोस्तों, वहाँ भी बिजनेस निकाल लेंगे। तो कुछ ऐसे कारणों की वजह से भी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है रिलेशन में, ठीक है। 7 नंबर, लेकिन 777 जोड़ने की ताकत है दोस्तों, कहीं ना कहीं जोड़े जरूर रखेंगे लाइफ में इनको, जो इनका जीवन साथी के साथ में, और बिजनेस जितने भी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर होंगे या बिजनेस को जोड़े रखेंगे मजबूती के साथ, वो सब प्राप्त होगा, प्राप्तियों का जोन इसका मजबूत है दोस्तों। 777 है ना, तो प्राप्तियाँ, मित्र देव का आशीर्वाद है इनके सर पे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी खास जानकारी एलन मस्क के ऊपर, और भी डेट ऑफ बर्थ से बड़ी बड़ी जानकारियाँ लेके आएंगे दोस्तों। ये एक सिंपल सा मैंने बनाया वीडियो, सिंपल सा, कि सिर्फ एक एग्जांपल तौर पे मैंने बताया, बहुत गहराइए हैं जानने के लिए, बहुत गहराइए हैं इसमें, बहुत कुछ छिपा हुआ है दोस्तों, लेकिन फ़ायदा क्या है, ठीक है। इतना ही काफ़ी आपके लिए दोस्तों, आप इसको समझिए, आपके लिए काफ़ी है ये वीडियो, जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत एक रामबाण है, एक जड़ी बूटी है, ठीक है, इसको संभाल के रखिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।